झांसी जनपद के तहसील मोट में चल रहे लेखपालों के धरने के चौथे दिन वकील और लेखपाल आए आमने सामने। वकीलों ने आरोप लगाते हुए कहा, लेखपाल नारेबाजी में अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं और तहसील परिसर में रस्सी बांध रास्ते को रोके हुए हैं। बस इसी बात को लेकर सारे वकील भी तहसील परिसर में एकत्रित होकर नारेबाजी करते नजर आए। बढ़ती वकीलों व लेखपालों की नारेबाजी को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों गुटों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। अधिवक्ता और लेखपालों के आमने सामने आने से तहसील मोट में हलचल मच गई, जहां अधिवक्ताओं ने कहा कि लेखपालों को तहसील परिसर से हटकर विरोध करना चाहिए। वही अधिवक्ताओं के साथ लेखपालों को अभद्रता के नारों को बंद करना चाहिए तथा बैरिकेडिंग नहीं लगाना चाहिए। वही अधिवक्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और जमकर बवाल काटा। जब कहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार तथा कोतवाल धर्मेंद्र सिंह चौहान के द्वारा लेखपालों तथा अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हम दो बार सचिव रहा हूं, दो बार अध्यक्ष रहा हूं बार संघ का। आज क्या मामला है, किस बात? मामला ये है कि मामला कन्नौज का है। कन्नौज में वकीलों का विवाद हुआ लेखपालों के साथ, उसमें विवाद को यहाँ से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा इन लोगों का अच्छा संबंध रहा है, सहानुभूतिपूर्वक रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय वकीलों को चार दिन से ये गालियाँ दे रहे हैं, अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। इसमें स्थानीय अधिकारियों का सह लगता है। एसडीएम को बता दिया गया है, तहसीलदार को अवगत करा दिया है और चार दिन से न्यायालय के दरवाजे के सामने नहीं बैठना चाहिए। ये आंदोलन दूर रखना चाहिए अपना और असत प्रयोगों का प्रयोग ना करें। हम जो चाहते हैं अपना आंदोलन शांतिपूर्वक करें, वकीलों को अशब्दों का प्रयोग ना करें, अनावश्यक गाली ना दें और न्यायालय परिसर खाली करें। उन्हें आश्वासन दिया हम इन पर विचार करेंगे। हाँ। Catch 'em all.